अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से क्रैकिंग। क्रैकिंग के बारे में हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। क्रैकिंग का थोड़ा सा इंट्रो हो जाए तो हमारी जो फ्रैक्चरल डेस्टिलेशन हम करते हैं और जो प्रोसेस है पेट्रोलियम की, तो उससे सिर्फ हमें 20% जो है वो पेट्रोल यानी कि गैसोलीन हमें मिलती है, जबकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपको पता है हमारे व्हीकल्स हर किस्म की गाड़ियाँ जो हैं तो वो पेट्रोल पे चलती हैं, गैसोलीन पे चलती हैं, तो इसकी डिमांड हाई होने की वजह से हम क्या करते हैं, जो हाई है बड़े हायर मालिक्यूल्स उस पेट्रोलियम फ्रैक्शन के जो हायर फ्रैक्शंस हैं उनको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पेट्रोल में, गैसोलीन में, ताकि हम उसकी जो डिमांड है गैसोलीन की वो कंप्लीट कर सकें, पूरी कर सकें। सो इस वजह से हम ये प्रोसेस करते हैं जिसे क्रैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्रैकिंग की डेफिनेशन। द ब्रेकिंग ऑफ हाई हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट विच आर मोर वोलेटाइल, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। यानी कि हाईली हाइड्रोकार्बन्स जो कि लार्जर कार्बन चेन पर मुश्तमिल होगा, जाहिरी बात है जब कार्बन चेन बढ़ेगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो हम उनको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और उनको छोटे कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देंगे। जब कार्बन चेन छोटी हो जाएगी तो वो ईजिली बॉयल हो जाएंगे, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा और वो मोर वोलेटाइल हो जाएंगे, वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं क्रैकिंग। और नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल भी है कि ये जो है हेक्साडेकेन है 16 कार्बन वाली, इसको जब हम हीट करते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें ये हेप्टेन मिलती है, इथीन के तीन मॉलिक्यूल और एक प्रोपीन मिलती है। ये क्रैकिंग से हमें फ्रैक्शन मिलती हैं डिफरेंट, हमें इससे एल्केन भी मिले हैं और अल्कीन भी मिली है। दिस क्रैकिंग यील्ड हेप्टेन, इथेन एंड प्रोपीन। द कंपोजिशन ऑफ क्रैकिंग डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑन विच क्रैकिंग टेक्स प्लेस। यानी कि जो क्रैकिंग से हमें हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स होंगी उनकी कंपोजिशन यानी कि वो क्या क्या होंगी वो डिपेंड करती है, हम उस पर कंडीशंस क्या अप्लाई करते हैं उन पर, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह जो आगे हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स में, तो उस उन कंडीशंस पे डिपेंड करती है क्रैकिंग की इससे हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन। अब टाइप्स क्रैकिंग की देखें तो तीन मेन टाइप्स हैं जो डिस्कस की गई हैं आपकी बुक में। पहली है थर्मल क्रैकिंग, सेकंड है कैटालिटिक क्रैकिंग एंड थर्ड है स्टीम क्रैकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल क्रैकिंग, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। थर्म मीन हीट, थर्म थर्मामीटर, हीट मापने वाला मीटर, थर्म मीन हीट। सो हम क्या करेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे उनको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर वन एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि हीट है तो हाई टेम्परेचर देंगे और प्रेशर देंगे और उससे हमें क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट मिल जाएंगे स्मॉलर वन, लार्जर से स्मॉलर वन हमें मिल जाएंगे। थर्मल क्रैकिंग में अगर कुछ और देखें तो उसकी ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ये तो हमने डेफिनेशन कर ली। इम्पोर्टेंस, इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि थर्मल क्रैकिंग जो हम कहते हैं वो यूजली या स्पेशली हम करते हैं तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल करने, अनसेचुरेटेड मतलब अल्कीन या अल्काइन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हासिल करने के लिए हम थर्मल क्रैकिंग करते हैं। एग्जाम्पल मीथीन प्रोपीन, जैसे कि हम पिछली इक्वेशन हमने जो डिस्कस की थी वो थर्मल क्रैकिंग की एक एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग नाम से ही जाहिर हो रहा है कैटलिस्ट यूज करना है, तो कैटलिस्ट जब यूज किया जाता है तो वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट्स की जो रेशो है उसको कम टाइम में ज़्यादा बनाता है, यानी कि वो रूट ऐसा देता है कि हमें टाइम कम लगता है और हमें सीवियर कंडीशंस भी नहीं देनी पड़ती, माइल्ड कंडीशन देनी पड़ती है और हमें इजीली प्रोडक्ट मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर
इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो कम रखेंगे, क्योंकि हमने कैटलिस्ट यूज करना है। सो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एट लोअर टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लोअर प्रेशर 2 atm, जिसे एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ए सूटेबल कैटलिस्ट कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। तो क्या करेंगे, हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर में कन्वर्ट करेंगे स्मॉल, यानी कि लोअर टेम्परेचर पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और लोअर प्रेशर होगा कितना, 2 atm प्रेशर। अब इसमें जो कैटलिस्ट यूज होती है कैटालिटिक क्रैकिंग में, वो होते हैं मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना, एलुमिना और Al2O3 और सिलिका का मिक्सचर हम यूज करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग वाला है, इससे हमें हाई ऑक्टेन नंबर प्रोटीन, ये पेट्रोल मिलता है। हाई ऑक्टेन नंबर का मतलब है कि उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, अच्छी मिलेगी। हाई ऑक्टेन नंबर यही होता है, ऑक्टेन नंबर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें रिफॉर्मिंग में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस हाई ऑक्टेन नंबर, सो हाई क्वालिटी गैसोलीन, सो इससे हाई क्वालिटी गैसोलीन हमें मिलती है। गैसोलीन मीन पेट्रोल। थर्ड टाइप जो है वो है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग नाम से है कि वाटर को स्टीम के फॉर्म में हम ऐड करेंगे। अब स्टीम क्या होगा, जो आपके जिनको तोड़ना है, यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन होंगे, वो भी वो क्या होंगे, वेपर फेस में उनको कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर हम उसके साथ स्टीम को मिक्स करेंगे और देन हमें वो प्रोडक्ट मिलेगी हमारी रिक्वायर। स्टीम क्रैकिंग, इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन इन वेपर फेस आर मिक्स विद स्टीम। जो हायर हाइड्रोकार्बन होंगी वेपर फेज में, उनको मिक्स किया जाता है स्टीम में, और हीट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए हम हीट करते हैं, अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ी देर के लिए, और फिर हम रैपिडली जैसे हीट करेंगे उसके फौरन बाद उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो क्या हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसकी इंपोर्टेंस देखें, दिस प्रोसेस इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब ये है कि ये स्पेशली हम यूज करते हैं स्टीम क्रैकिंग को जब हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स यूज कर रहे होते हैं, लोअर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मीन एथीन प्रोपीन या लकीन, मतलब छोटे जो हाइड्रोकार्बन वो हम हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हम स्टीम क्रैकिंग से हासिल कर सकते हैं। लास्ट क्रैकिंग के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि क्रैकिंग के साथ अब हमें फॉर एग्जांपल हेप्टेन लेना है, हेप्टेन हासिल करना है, जैसे कि लास्ट एग्जांपल जो कि मैंने इक्वेशन लिखी है उसमें हमें सिर्फ हेप्टेन चाहिए था, C7H16, लेकिन उसके साथ साथ हमें इथीन भी मिले और प्रोपीन भी मिले, तो हमें वो तो नहीं चाहिए था, तो वो बाई प्रोडक्ट है। जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन हो, जो हमें डिजायर ना हो, हमें चाहिए ना हो, पर वो आ जाए, वो पैदा हो जाए, क्रिएट हो जाए, सिंथेसाइज हो जाए, तो हम उसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो हम क्रैकिंग जब कर रहे होते हैं तो हमें मेन हमारी प्रोडक्ट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, और वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल भी हो सकती हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर मिली प्रोपीन है, ब्यूटीन, बेंजीन, ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलती हैं क्रैकिंग की। सो दे आर यूज इन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ये ड्रग्स में, प्लास्टिक्स में, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर, वीड किलर्स, और ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हमें इन बाई प्रोडक्ट से मिल जाती है, इसलिए हमारा जो इकोनॉमी है वो भी इस पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और इम्पोर्टेंट केमिकल एथानोल, फिनोल, एसीटोन भी इनसे हम हासिल कर सकते हैं, आपने ये नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ना भी है। दिस इज होल अबाउट क्रैकिंग इन यू अकॉर्डिंग टू योर बुक। सो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई मसला हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और मैं इंशाल्लाह आपको उसका सॉर्ट आउट करूँगा। और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।